कला अर्थात मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने को कला कहा जाता है। कला के कई रूप होते हैं, लोक कला, पारंपरिक कला व व्यवहारिक कला। कला के क्षेत्र में हमारे भारत देश का नाम सर्वोपरि माना जाता है। हमारे पुराणों में भी कई कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें गायन, नाट्य एवं चित्रकला प्रमुख है। हमारे देश में बहुत से जाने माने कलाकारों की निपुणता की गवाही देता है हमारा प्राचीन इतिहास, जहां भारतीय संस्कृति और प्राचीन कलाओं को पारंपरिक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष एक महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए पलटते हैं अगला पन्ना और चलते हैं हमारी अगली खोज की तरफ। राजस्थान राज्य के सीकर जिले की श्री माधोपुर तहसील में बसा एक गांव मुंडरू, जो बहुत सी ऐतिहासिक कहानियां समेटे हुए अपने एक खास पहचान रखता है। यहां की हर पुरानी इमारत बयां करती है एक इतिहास। इस गांव की स्थापना विक्रम संवत 1652 में ठाकुर हरदेव सिंह द्वारा की गई। सालासर धाम की यात्रा के बाद हम निकले अपनी अगली खोज के लिए ऐतिहासिक गांव मुंडरू। प्रातः 10 बजे गांव के मुख्य चौराहों से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जब हम जिज्ञासावश उसकी तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि आज गांव का प्रमुख त्योहार नरसिंह लीला महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में भगवान श्री नरसिंह के चेहरे को गांव के भ्रमण हेतु बाहर निकाला गया था। गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही इस शोभा यात्रा के बाद हमारे पास पूरा दिन पूर्ण रूप से खाली था, तो मेरे टीम मेंबर्स ने निश्चय किया गांव से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है वो रोचक तथ्य। ये है अति प्राचीन श्याम मंदिर, जो कालांतर में समय के थपेड़ों के साथ भूमिगत हो चुका है। ये मंदिर राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। गांव के उत्तर दिशा में स्थित है ठाकुर हरदेव सिंह का किला, जिसे मुंडरू गढ़ के नाम से जाना जाता है। गढ़ में स्थित है श्री डूंगरी के बालाजी। इस पहाड़ी पर बहुत ही विशाल चिन्ह भी मौजूद हैं। कहा जाता है ये पांडुपुत्र भीम के पद चिन्ह है। यहाँ संत समाज आए थे, इन्होंने क्या 7 प्रकार की मिट्टी से ये हमारे बालाजी मंदिर की मूर्ति बनी है और ये काफी प्राचीन है, तकरीबन 350-400 वर्ष के समथिंग की ये पुरानी मंदिर। इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। दूसरा, एशिया महाद्वीप में ये वन स्टोन हिल्स है, एक पत्थर का पहाड़ है, दूसरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस पहाड़ पे नंगे पांव घूमने से जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भीम की हांडी है। यहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है नरसिंह जी महाराज का मंदिर, जो कि गांव के ईष्ट देव हैं। जानकी नवमी पर भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों की लीलाओं का आयोजन किया जाता है। रात्रि 9 बजे प्रारंभ होने वाला ये महोत्सव अद्वितीय है। रात होते होते यहां ग्रामवासी भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। फिर भगवान श्री राम की पालकी के साथ आगाज होता है सुनहरे महोत्सव का, जिसमें युवा वर्ग अपनी पूर्ण रूपेण भागीदारी निभाता है। नमस्कार,
मैं आज 21 साल का हो चुका हूँ, जबकि मैं लास्ट 15 ईयर से यहाँ पे जो लीला होती है उसको देखते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे जो परशुराम अवतार हुआ, वानर सेना की पालकी सहित हनुमान अवतार होते हैं, उनमें सब में जो युवा है यहाँ के, कम से कम 150-200 युवा एक साथ यहाँ पे जो भगवान का मतलब यहाँ का जो चौक है जहाँ पे मतलब नरसिंह लीला करवाई जाती है वहाँ का सबका भ्रमण करवाते हैं, और उसमें जो भी युवा है वो सारे एक साथ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और यहाँ उस चीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके ऊपर जो मूक अभिनय की जो हमारी राजस्थानी मूंडू की जो संस्कृति है उसका एक तरीके से पूरा स्थापत्य बना रखा है उन्होंने। शुरू में झांकी निकलती है, श्री राम और उनके तीन भाइयों को झुलाया जाता है पालकी में। हमारे जो युवा भाई हैं वो लोग बहुत ही जोश से यहाँ घुमाते हैं कोल्डी के चौक में। उसके बाद झांकी आती है बेरा उतार जी की, जो कि बहुत ही जोरों शोरों से निकाली जाती है नरसिंह जी के मंदिर से। उनका मुकुट लाकर कोल्डी के चौक में पहनाया जाता है। उसके बाद झांकी आती है लास्ट में 5:30 बजे जो झांकी निकलती है नरसिंह जी की, भगवान नरसिंह की, तो उसमें भगवान नरसिंह के सभी दर्शन करते हैं। वो झांकी यहाँ से जाती है नरसिंह जी के मंदिर के पास। यह झांकी देखने में बहुत मज़ा आता है और सब लोग यहाँ होते हैं। यहाँ यह प्रक्रिया हमारे प्राचीन समय पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। युवा वर्ग, आपसी भाईचारे और अपनी युवा शक्ति के प्रदर्शन के बाद श्री राम की पालकी को लीला मैदान में एक ऊंचे स्थान पर विराजमान करते हैं और भगवान श्री राम से अनुमति लेकर आगे की लीलाएं प्रारंभ की जाती हैं। इस महोत्सव में किरदार निभा रहे कलाकारों के रूप सज्जा की जिम्मेदारी राजपुरोहित समाज पारंपरिक तरीके से निभा रहा है। जहां हमारे देश में धर्म व जाति के नाम पर जहर फैल रहा है, वहीं इस गांव में इसके विपरीत स्थिति है। यहां धर्म, जाति व आपसी मनमुटाव पूर्ण लोप होकर हर तरफ इंसानियत दिखाई देती है। इस महोत्सव में सर्वधर्म व सर्व समाज की पूर्ण रूपेण भागीदारी रहती है। भाईचारे का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि राम पालकी को मुस्लिम समुदाय के मनिहार वर्ग द्वारा सजाया जाता है व भगवान परशुराम के अस्त्र शस्त्र भी इन्हीं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। भगवान के प्रति आस्था के रूप में यहाँ एक सूक्ष्म रूप से जागरने का रूप हुआ करता था जानकी नवमी को, और उसी का धीरे धीरे रूप बनते बनते आज नरसिंह लीला का महोत्सव के रूप में काफी उत्साह है, जिसमें कि हर जाति धर्म में हर वर्ग हर जात मतलब धर्मों का भी इसमें समावेश है। सब आपस में सामंजस्य मिलजुल करके और इस त्यौहार को बड़े होली दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाते हैं गांव वाले, और इसे अच्छे मतलब बच्चों में भी संस्कार पढ़ते हैं भगवान के प्रति। और ये तो एक देवभूमि है, वैसे ही यहाँ जैसे वृंदावन में 5,000 मंदिर है तो इस गांव में भी कम से कम 51 मंदिर है। यहाँ वनस्पति वगैरह के हिसाब से चारों दिशाओं में 4 पीठ हैं। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है, संस्कारित बच्चे हैं, जैसे गौशाला में सेवा करना और करना अच्छे अच्छे यहाँ के कार्य करते हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं बच्चों को। महोत्सव के प्रथम आयाम में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की लीलाओं का प्रसंग किया जाता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा अपने मूक हाव भाव से सृष्टि की रचना करने का अभिनय करते हैं। श्री राम पालकी के मनोरम दृश्य को देखने के बाद हमारी उत्सुकताएं और भी बढ़ गई थी, क्योंकि यहां हो रही हर गतिविधि में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जो आज की बढ़ती आधुनिकता पर एक गहरी छाप छोड़ रही थी। गांव का हर व्यक्ति अपने परंपरागत काम में व्यस्त नजर आ रहा था। ये भगवान विष्णु की कृष्ण रूप में की गई लीलाओं का प्रसंग है, जिसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का अभिनय दिखाई देता है। मूक हावभाव की व्याख्यार्थ शास्त्रीय एवं लोक गायन इस महोत्सव की शोभा बनाए रखता है।
लीला परिसर में रोशनी बनाए रखने के लिए गांव का नाई समाज मशाल जलाए रखने की परंपरा को निभाते हैं, जिनमें अटखेलियां बड़ी ही मनमोहक लगती हैं। यदि इसकी प्राचीनता की बात करें तो इसमें प्रयुक्त होने वाले चेहरे लगभग 400 वर्ष पुराने हैं। 1652 में जब गांव मुंडू गांव बसा था, उसी समय हमारे पूर्वज बंगाल से चलकर यहाँ नागपुर में आकर रहे थे। वहां पर जानकीनाथ जी का मंदिर नहीं था और हमारे जानकी जी का इष्ट था, इसलिए उस जानकी नवमी के दिन इष्ट मनाने के लिए यहाँ मुंडू ग्राम में आते थे और जानकी जी ने मनाते थे। फिर यहीं आकर के गांव वालों ने हमें बसा दिया। फिर धीरे धीरे गांव वालों के सहयोग से, उनकी लगन से नरसिंहलीला का महोत्सव चालू हो गया। इस नरसिंहलीला में संपूर्ण रात्रि सुबह तक चलती है, 24 अवतारों की झांकियाँ जिसमें दिखाई जाती है। मुख्यतः तीन लीलाओं का मंचन यहाँ पर होता है, कृष्ण लीला, राम लीला और नरसिंह लीला। राम बाबा जी को ऐसा एहसास हुआ नरसिंह जी अवतार के नाम से, तो उन्होंने 24 अवतारों का उत्सव मना करके और बड़े धूमधाम से बनाया। हमारे गांव में जैसे दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये जो पर्व है इसके मुकाबले एक पर्व है। हर घर के अंदर, हर घर में ठाकुर जी का भोग लगता है और जो जिनके आस्था भयंकर है राजपूत लोगों के, उनके घर ठाकुर जी जाते हैं। प्रौत समाज हमारे हैं, पहले प्रौत समाज के जाते हैं और बड़े ख्वाजा गाजे ही धूमधाम से हम लोग ले जाते हैं। रात्रि के द्वितीय प्रहर में भगवान विष्णु के मत्स्य रूप का प्रसंग होता है, जिसमें दानवराज हग्रीव को मारकर वेदों को गुमनाम होने से बचाए जाने एवं हग्रीव के संहार से जुड़ी लीलाएं बड़ी ही रोचक होती हैं। मेरा नाम धर्मवीर सिंह शेखावत है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और प्राचीन काल से 450 वर्ष से ये नरसिंह लीला महोत्सव का कार्यक्रम यहां प्राचीन काल से चला रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और महाजन वर्ग तीनों की बड़ी भगवान के प्रति आस्था है और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ में सभी जाति विशेष के वर्ग के लोगों का काम अपना अपना बटा हुआ है, वो अपने अपने काम का निर्धारण करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा व धर्म की हानि होने लगी और हिरणाक्ष नामक दानव ने त्राही त्राही मचा दी, तब पृथ्वी से दानवों के संहार व धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान विष्णु वराह रूप में अवतरित हुए। इस प्रसंग में भगवान वराह के भव्य स्वरूप की झांकी निकाली जाती है, जिसमें भगवान वराह के हाव भाव मन को गदगद कर देते हैं। इसमें पृथ्वी के प्रतीक के रूप में लाल वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण है देवराज इंद्र की सवारी, जिसमें राजस्थान की प्रमुख नृत्य शैली कच्ची घोड़ी व घूमर का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। क्षत्रिय समाज के युवा अपने युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन करते हैं, जिसमें भगवान परशुराम द्वारा शस्त्र से प्रहार किया जाता है और क्षत्रिय इसे ढाल से रोककर अपना युद्ध कौशल दिखाते हैं, जिसका सांकेतिक अर्थ हिंदू धर्म की रक्षार्थ हमेशा तत्पर रहना माना जाता है।
महोत्सव की अगली कड़ी में देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की झांकी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका आशय संपूर्ण जगत में सुख समृद्धि बने रहना है। मध्यरात्रि के बाद जब संपूर्ण जगत अंधकार के आगोश में छुपा होता है, तब भगवान सूर्य व दानव के बीच हुए युद्ध से जुड़ी लीलाओं का मंचन किया जाता है। इस महोत्सव के अन्य आकर्षणों में नंदी सवार शंकर, राम भक्त हनुमान, औलिया पीर इत्यादि प्रमुख हैं। लीलाओं के अगले क्रम में ऋषि श्रृंगी भंगी से जुड़े प्रसंग भी किए जाते हैं, जिसमें बाल ऋषि को नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जो चंचलता का प्रतीक है। रात्रि के अंतिम पहर में ताड़कावध व ऋषि विश्वामित्र से जुड़ी लीलाओं का अभिनय बड़ा ही सुंदर होता है। इसमें ऋषि विश्वामित्र को अयोध्या नरेश दशरथ से दानवों के संहार हेतु राम लक्ष्मण की मांग करते हुए दिखाया जाता है, तदोपरांत ताड़कावध किया जाता है। समय निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ बढ़ती जा रही थी हमारी जानने की इच्छा। नाट्य व गायन कला के इस समागम ने हमें पूरी रात जगे रहने में सहायता प्रदान की। रात्रि के द्वितीय पहर में हमारी निगाहें व्याकुल थी इस महोत्सव के महत्वपूर्ण प्रसंग के दीदार को, और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और भगवान श्री नरसिंह की झांकी लीला परिसर में आ चुकी थी। प्रातःकाल 4 बजे भगवान नरसिंह की झांकी लीला परिसर में आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस चेहरे को पहनता है, उसमें एक अलौकिक अंश मौजूद होता है जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। इस झांकी की खास बात यह है कि जिस व्यक्ति में भगवान नरसिंह का अंश मौजूद होता है, वो मंदिर परिसर से लीला मैदान तक कहीं भी जमीन पर पैर नहीं रखता। इसका भाव इतना तेज होता है कि इसे वश में करने के लिए लोग इन्हें पकड़ कर रखते हैं। भगवान नरसिंह की आरती के बाद इस महोत्सव का समापन किया जाता है।